रिया के 4 दिन भाईकला जेल में बीत चुके हैं, 4 रातें बिता चुकी हैं, आज 5वां दिन है। इन 5, 4.5 या 5 दिनों में रिया का वक्त कैसे गुजरा, क्या क्या किया उन्होंने, कैसे वक्त बिता रही हैं वहाँ पर, क्या कर रही हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, साथ ही उनको खाने पीने को और क्या सुविधाएँ मिलती हैं, आपको बताऊँगी इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए। तो इस केस में 22 सितंबर तक रिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बंद हैं और 2 याचिकाएं उनकी जमानत याचिकाएं निचली कोर्ट और सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी हैं। हाई कोर्ट जाने की तैयारी है और वो बहुत हताश हुई क्योंकि उनको लगा था वो निकल जाएंगी बाहर, लेकिन वो अभी तक जेल में है। तो अगर माने रिया, जो बात कही जा रही है कि रिया चक्रवर्ती उसी जेल में जहाँ इंद्राणी मुखर्जी हैं, मगर अभी इंद्राणी मुखर्जी को से रिया की मुलाकात नहीं हुई है। रिया के सेल में कोई बदलाव नहीं किया है, उनको जिस प्राइवेट सेल में अलग से सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया था उसमें ही है वो, नए जगह पर ट्रांसफ़र नहीं किया गया। वो सुबह 6 बजे उठती हैं, रोल कॉल के बाद सुबह 6 बजे उठती हैं, 7:30 बजे उन्हें नाश्ता दिया जाता है, नाश्ते में उन्हें पोहा और चाय दिया गया। उसके बाद फिर रिया अपने सेल में चली गई, नाश्ता करने के लिए बाहर आना पड़ता है। उसके बाद रिया ने दोपहर का लंच भी किया, लंच में उन्हें चावल दाल रोटी और आलू की सब्ज़ी दी गई। सारे लोगों के साथ बैठकर खाना खाना होता है, ये यहाँ पे प्रिविलेज नहीं मिलता, आप सारे लोगों के साथ बैठकर खाते हैं उसके बाद अपने सेल में जाते हैं, आपके सेल में आपको खाना सर्व नहीं किया जाता। रात में भी रिया ने जेल के मेस में ही खाना खाया और मेस का खाना खाया और उसके बाद रिया अपने सेल में सोने चले गए। ये उनका रोज का 4 दिन का रूटीन था। पहले दिन रात को उन्होंने खाना नहीं खाया था, वो सोई भी नहीं थी ठीक से, मगर उसके बाद से वो उनको ठीक से नींद आ रही है, ठीक से रह रही हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से जेल प्रशासन ने उनको अलग सेल में रखने का फैसला किया है। मैं आपको बता दूं, जुडिशियल कस्टडी में है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, जहां ड्रग कंज्यूम करने और प्रोक्योर करने का उन पर इल्ज़ाम है, कॉन्स्पिरेसी का भी इल्ज़ाम है, और जिसके खिलाफ उनके रिया ने और उनके वकील ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। दूसरी तरफ सुशांत के परिवार के कंप्लेन पर, उनके FIR पर ये पूरा मामला उठा है और अब रिया चक्रवर्ती जेल में है। कैसा लगा आपको ये पैकेज, ज़रूर बताइएगा। बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।